दोस्तों गुलाब जामुन बना करके तैयारी कर लिए हैं, तो चलिए हम गुलाब जामुन के खा करके देखते हैं गुलाब जामुन का स्वाद कैसा बना है। एक गमला गुलाब जामुन है, तो चलिए हम एक पीस खा करके देखते हैं जो कैसा स्वाद बना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, सीता जी के किचन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे किचन में बनने वाला है एक नया रेसिपी में बनेगा गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए कौन कौन सामान लिए हैं वो सामान हम ले आते हैं। दोस्तों गुलाब जामुन बनाने के लिए हम सामान लेकर के किचन में पहुंच गए हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हम सामान जो ले लिए हैं वो सामान दिखलाते हैं। एक गुलाब जामुन बनाने वाला पाउडर है, उसके बाद एक चीनी ले लिए हैं, उसके बाद एक दूध ले लिए हैं। यही दूध के साथ हम पाउडर के घोल करके गूनेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम पाउडर के दूध में गून लेते हैं, उसके बाद हम दूध डाल करके गूनेंगे। दोस्तों तो हम पाउडर डाल दिए हैं, तो पाउडर में इलायची डाल देते हैं। इलायची डालने से क्या होता है, गुलाब जामुन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इलायची हम डाल दिए हैं इसको पाउडर में, बहुत अच्छे से हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम पाउडर गूनेंगे दूध डाल करके। तो चलिए हम इलायची मिक्स कर लिए हैं, तो चलिए हम दूध के डाल देते हैं पाउडर में। अगर मैं डाल दिए हैं तो चलिए इसको हम बढ़िया से गून लेते हैं, कहीं अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों पाउडर से हम अच्छी तरह से गुलाब जामुन बनाने के लिए गून करके तैयारी कर लिए हैं। ये वीडियो देखने में आपको कैसा लगता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए तैयारी हो गया है, तो चलिए हम छोटे छोटे टुकड़ा में हम काट करके गोल कर लेते हैं। दोस्तों गुलाब जामुन बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ा में सभी को हम कट लगा लिए हैं। तो चलिए गुलाब जामुन बनाने के लिए हम गोल करके रख लेते हैं। ये गुलाब जामुन बनाने के लिए हम सबसे पहले चीनी के पाक बना लेते हैं। ये सबसे पहले हम चूल्हा, दोस्तों चूल्हा जोड़ लिए हैं, तो चलिए कढ़ाई चढ़ाते हैं। उसके बाद हम चीनी के पाक बनाने के लिए चलिए हम पानी डाल देते हैं। दोस्तों पानी डाल दिए हैं, तो चलिए चीनी के पाक बनाने के लिए हम चीनी डाल देते हैं। हम चीनी डाल दिए हैं, तो चलिए इसको बढ़िया से हम मिलाते रहेंगे और चलाते रहेंगे, तब चीनी गल लेगा। दोस्तों दूध ले लिए हैं, ये चीनी के पाक बढ़िया से खौल गया है, तो चलिए इसमें हम दूध डाल देते हैं। दूध डालने से क्या होता है, पाक बहुत फ्रेश हो जाता है। उसमें गुलाब जामुन डालने से गुलाब जामुन बहुत लाइटिंग में आ जाता है। दूध के डाल दिए हैं, तो चलिए इसको हम थोड़ा चला देते हैं। ये खौल जाएगा तो चीनी के पाक बहुत फ्रेश हो जाएगा। दोस्तों ये जितना ऊपर के सभी फेन है सबके हम निकाल देंगे। ये सब निकाल देंगे तो चीनी के पाक बहुत फ्रेश लगेगा देखने में। खोलने पर जितना कचरा रहता है सभी साइड हो जाता है। दोस्तों गुलाब जामुन के लिए पाक तैयारी हो गया है, तो चलिए इसको हम दूसरा बर्तन में पलट लेते हैं। दोस्तों कढ़ाई चढ़ा देते हैं गुलाब जामुन छानने के लिए। गुलाब जामुन छानने के लिए हम रिफाइंड डाल देते हैं।
दोस्तों गुलाब जामुन हम बढ़िया से गोल कर लिए हैं बना करके, तो चलिए हम कढ़ाई में डाल देते हैं छानने के लिए। इसी तरह सभी को डाल दिए हैं, चलाते रहेंगे। इसी तरह गुलाब जामुन के हम चलाते रहेंगे। गुलाब जामुन ज्यादा लाल नहीं होगा, आराम से सीझेगा। तो रिफाइन के ठंडा कर करके गुलाब जामुन डालते हैं, क्योंकि ज्यादा गर्म में गुलाब जामुन खराब हो जाता है, इसलिए हम रिफाइन के ठंडा कर करके डालते हैं। इसको चलाते रहेंगे, खाना कढ़ाई में नहीं फटेगा। दोस्तों गुलाब जामुन तैयारी हो गया है, तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। दोस्तों गुलाब जामुन खाने वाला वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों कढ़ाई के उतार करके नीचे रखते हैं, क्योंकि ज्यादा गर्म में गुलाब जामुन नहीं खाना जाता है, ठंडा होने पर ठीक रहता है। दोस्तों रिफाइन के थोड़ा हम ठंडा होने देते हैं, इसको लारते रहेंगे। जितना ज्यादा रहेगा गर्म सब कम हो जाएगा। तो गुलाब जामुन छानने वाला वीडियो कैसा लगता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम गुलाब जामुन हमारा तैयारी हो गया है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। चलिए हम चीनी के पात में डाल दिए हैं। दोस्तों गुलाब जामुन बना करके तैयारी कर लिए हैं, तो चलिए हम गुलाब जामुन के खा करके देखते हैं गुलाब जामुन का स्वाद कैसा बना है। एक गमला गुलाब जामुन है, तो चलिए हम एक पीस खा करके देखते हैं जो कैसा स्वाद बना है। दोस्तों गुलाब जामुन खाने में तो बहुत मस्त लगा है, तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।